नंबर चार जर्सी, नंबर चार मुझे इतना ध्यान है ये जर्सी मोहित छिल्लर की हुआ करती थी। आवाज नहीं कोई नहीं कोई नहीं, रेफरी होगा जो अंतिम, बातें नहीं करनी, किसी से दावा नहीं करना। राइट, बहुत ही शानदार गेम, बहुत अच्छा चल रहा है। यही तो गेम है, दर्शकों की भी सांसें थम गई हैं इस गेम को देखने के लिए, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, टकटकी मान लो दर्शक हमारे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे छप्पर पे कर गया था। टीम के सभी खिलाड़ी ना बोले, एक ही खिलाड़ी कंट्रोल करेगा सभी को जी, पूरी टीम को एक ही खिलाड़ी कंट्रोल करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ये स्कोर बोर्ड वाले को कैसे माइक दे दिया, कमेटी वाले सो गए थे, ऐसा ही लगता है। अति शानदार, चार खिलाड़ी कोर्ट में, बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हुए, लगता नहीं है समझदारी का खेल, सूझबूझ का खेल, एक एक कदम सवाल के रख रहे हैं। देखिए इनकी नजरें, देखिए चील की निगाह इनकी, ऐसे देख लेते हैं जैसे कहीं कुछ भी हो। ये समयवीर मार साहब को मायक दिया जाए, मेरे सामने लाया जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। थर्ड रेड, डू और डाई, करो या मरो, के करना है वो आपको पता होगा और आगे के करना है ये कासोट की टीम को पता है, के करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मान गए गुरु, बहुत अच्छा। देखो एक बार जैसे क्रिकेट होता है उसमें किसी खिलाड़ी का एक बार चौका चले जाए तो अच्छा रहता है, ऐसे कबड्डी एक बार पकड़ ले तो वो खिलाड़ी खुल जाता है। अब देखना इस खिलाड़ी को, खुल गया धीरे धीरे, मैच अपने रोमांच पर पहुंचता हुआ और दर्शकों की संख्या अब भी जा रहे का समय होने वाला है, लेकिन हमारे दर्शक भरपूर तरीके से मजे ले रहे हैं, आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही है। और मुझे यहाँ भाई कम से कम कमेटी से मेरा अनुरोध है, कुर्सी तो प्रदान कर दो मुझे। आसान की थर्ड रेड है भाई, दो अड्डाई है, इसमें या तो पॉइंट लेके आना होगा या फिर अपने आप को झोंक के आना होगा। बहुत अच्छे, आवाज नहीं करे रेफरी खड़े बोनस देने के लिए, आवाज नहीं करे ये रेफरी, हम बहुत दूर से लेके आए हैं, ये जो हमारे रेफरी जी हैं ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के हैं, राष्ट्रीय लेवल के नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल के। अगर इनके जमाने में प्रो कबड्डी होता तो शायद ये प्रो कबड्डी के भी प्लेयर होते। देखिए इनकी, इनके जमाने में प्रो कबड्डी नहीं था लेकिन इन्होंने भाई साहब, रवि भाई साहब से मेरा अनुरोध है थोड़ा कबड्डी का गाना लगाया जाए, थोड़ा कबड्डी का गाना लगाया जाए, ये दर्शकों का थोड़ा कबड्डी का गाना लगाया जाए, थोड़ा मनोरंजन दर्शकों का भी किया जाए। डू और डाई,
दुगुल बचा दिया जाए। लाइन मैन जानो भाई, तुम इनको जानो। लाइन मैन का काम और नाम यही है। टाइमर, टाइम का ध्यान रखे भाई, याद रखना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी टाइम, क्या बात है। थाई होल्डों पर गए और अच्छा पकड़ा दोनों, भरपूर टाइम। आप अगर थोड़ा थोड़ा मत्था मत्था रहे भाई, इतना आवाज ना करें, के करना कुछ नहीं करना। सभी राजस्थान के वीर मौजूद हैं यहाँ पर। राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। हमारे प्रसिद्ध गांव औजान में आज कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसके आप सभी को बता दें, जिसके मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर दिगंबर सिंह के सुपुत्र सैली भैया। बहुत ही अच्छा आयोजन। एक और रेयर पॉइंट, शायद मेरी लाइफ का ये पहला आयोजन होगा जो इतना अच्छा है। मन गदगद हो गया इस आयोजन को देखकर। बेटा आज मैं कह सकता हूँ गर्व से कि मेरा गांव अजान है। अच्छा, बातें पहले गर्व है मुझे कि मैंने इस भिड़ा पर जन्म लिया। आज पता पर ये। अरे रवि भैया थोड़ा गाना चला दो, दर्शकन की इच्छा है रही है। अरे कॉमेंट्री कर भाई, ढंग से ध्यान दे। हाँ, गाना भी होगा बजाना भी होगा। दर्शक तुम कह रहे कबड्डी को सो गाना चला दें फिर। अरे तो हाफ टाइम चल जाएगा, वन चल जाएगा फर्स्ट टेस्ट में। ठीक है, स्कोर बताएं भाई। जगीना 5, कासौट 5 है। 5-5 बन गए 55। कोई दिक्कत नहीं, इनकी उम्र 55 की, दिल 55 का। कसम कसम भरा हुआ मुकाबला भाई साहब, बहुत अच्छा। मैंने अपनी लाइफ में इतने तगड़ा कांटे का मैच नहीं देखा। कांटे तो बहुत देखे, बमूर को देखो, लेकिन एक तगड़ा कांटो ना देखो। फर्स्ट हाफ का समय 5 मिनट का शेष है। इशू होए खल रहे भैया, डू और डाई, क्या बात है। पॉइंट्स लाओ नहीं तो बाहर जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था समय वीर जी चले गए हैं। बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया, बोनस बहसबाजी ना करें, बोनस दे वहां पे, बहसबाजी ना करें। आप पीछे से ना बोले भाई, मेरे पीछे से दर्शको। अंतर्राष्ट्रीय कोच है, कोच है तो ऐसे नहीं बोलोगे भाई। कोच है, 5 मिनट टाइम ब्रेक ले लो। कबड्डी थोड़ी बहुत हमने भी देखी है। डू ऑर डाई हमारे जमाने में हुआ करती थी। 4x4 कबड्डी जब तो गलती ही रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टाइम, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे आगे आगे थोड़े थोड़े मध्य मध्य कर रहे हैं। देखिए आ जाएंगे, कोई ना रेफरी सारे देख रहे हैं। बोनस पॉइंट कहीं ना भाई साहब, बड़े बूढ़े नहीं है वो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल कबड्डी के रेफरी हैं। अब हम ये बाहर से बुलाए गए हैं। हाँ भाई, पानी भरा हुआ है ड्रम में भाई। ठीक है भैया, काय को उनको नहाने धोई है, इधर नहीं उधर पीने का, इधर नहाने का। अच्छा अच्छा, इस बात को मैं समझ रहा था मुझे नहाने की बोल रहे हैं। तू नहावे कहाँ है? अरे आज तो नहा लिया हूँ मैं। 3 मिनट का समय शेष है भैया फर्स्ट हाफ में। मैं कोई चाबी थोड़ी हूँ, दिलीप ज्यादा आवे दोनों बजा जाए।
पास आउट के अंक हैं 6 और जगीना 7। एक पॉइंट से लीड कर रही है जगीने की टीम। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी। एक पॉइंट ले गए, बोनस की मांग की थी लेकिन बोनस खारिज कर दिया। क्या ठीक है, पानी बोतल ले भाई। जगीना का स्कोर 8 पास आउट 6, दो अंकों से लीड करता हुआ जगीना। फर्स्ट हाफ का समय 2.5 मिनट का शेष। पल्ले नाम रही कमेटी थे होता डाली में ये रेड भरती हुई आगे कासाट की टीम रेड कर रही है। सामना कर रहे हैं जगीना डाई। देखियो बीच में नहीं है, ये लाइन मैन क्या कर रहे हैं भाई, नींद आ रही है क्या? देख बोनस है भाई, ए यार देख भाई वाह वाह, बहुत शानदार तरीके से कसमा कसमा बीता हुआ पल को पल का कसर। क्या बात है, क्या किया, मारे गए बहुत ही शानदार। देखियो एक एक पॉइंट आगे बढ़ती हुई दोनों टीमें। बोतलों को सभी को ग्राउंड में रख जाएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। कहरो जी कितने अंदर पीट के गए, बहुत बढ़िया, मान गए गुरु। लंबे कद के खिलाड़ी कैसे ले वो जो रेड कोर्ट में है, पॉइंट हो चुके हैं 6 और जगीने गए हैं 10। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। जगीने 10 पीछे जानना है लाइन में कसर बाउल। लियो कनेक्ट कर जाए, लाइव चला सभी राउंड से मारो जाए। हाफ टाइम की लास्ट रेड है ये। नेटवर्क ना आ रहे थे, मैं परी ले जा, मैं खुलूंगे ले खुलूंगा। हाफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, दोनों टीमें अपना